लेवल का फाइल बना है, तो उसी का थ्रू में कल के लिए मतलब 5/12/2019 के लिए कुछ स्टॉक्स का लेवल दिखाऊंगा, कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा और निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा। मैंने हर रोज़ बाय सेल लेवल देता हूं, तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग ये वीडियो का ये सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ, तो इसे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज अच्छा स्ट्रैटेजीज कुछ मैंने वीडियोस बना के रखा है, वो आप लोग को काम पे आएगा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और बहुत कुछ सीखने का भी मिलेगा कि कुछ पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज कैसे प्रॉफिट कर सकता है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे चुन सकता है, तो ये सब आप लोग उधर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ये मेरा चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आप लोग जानते हैं मेरा जो रेगुलर व्यूअर है और मेरा ये बाय सेल लेवल कम स्किनर में क्या क्या रहता है, इसमें बाय सेल लेवल कम स्किनर में बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 रहता है, और बाय सेल लेवल 3 रहता है और इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है जो देखे इंडिकेटर्स लगा का कैलकुलेशन करके रखा है, जो आप लोग को बहुत शानदार तरीका से आप लोग इसको स्क्रीनिंग कर सकता है। वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, टिपिकल प्राइस और ये सब, EMA 3-10 EMA क्रॉस ओवर और 10-20 का क्रॉस ओवर और प्रोबेबिलिटी, या EMA 5-13 का क्रॉस ओवर, रिवॉर्ड पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, इसिमोकू क्लाउड, BWAP, ट्रिगर लेवल, ये सब देख के आप लोग इसको आसानी से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बाय सेल लेवल 1 को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 किसी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय सेल लेवल 1 को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और मेरा मोस्ट रिकमेंडेशन है बाय सेल लेवल 3, जो मैंने अलग से फाइल बनाता हूँ उसके बारे में बाद में बोलता हूँ। तो और ये आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है और इसका उसके बाद इसका जो बाय सेल लेवल देखेंगे तो उसके ये देख के आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोग को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट आ सकता है, बहुत सेफली आप लोग मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो मैंने भी इसमें आप लोग काम करता हूँ, मेरा भी प्रॉफिट होता है, आप लोग भी ये इसमें इस्तेमाल करके मार्केट से अच्छी तरह से कम प्रॉफिट कमा कर सकता है। ये आप लोग इधर स्टॉक्स इक्विटी फ्यूचर जितना सारा एफएनओ स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है और जितना सारा एफएनओ स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। आप लोग कैश लेवल देख के भी आप लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में आप लोग काम कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का जो कैश लेवल है आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का लेवल दिया हुआ है और इंडेक्स का भी लेवल दिया हुआ है, तो वो देख के आप लोग काम कर सकता है। और इसमें स्क्रीनर टू में इस पेज में आप लोग को बाय सेल लेवल 3 मिलेगा, बाय सेल लेवल 3 में मैंने बाय सेल लेवल 3 को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों से में बाय सेल लेवल रखा है, अप ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल है, डाउन ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल है, तो अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे सही रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आप लोग को पकड़ना है तो सेफ रहेगा, तो सेल अप ट्रेंड जब रिटेस्ट होकर नीचे आने का लगेगा तो कौन सा लेवल पे उसको सेल करना है, डाउन ट्रेंड का जो स्टॉक्स है वो कौन सा और भी डाउन जाएगा तो कौन सा लेवल पे उसको सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद उसको पकड़ना सही रहेगा, और बाई वो रिटेस्ट होकर मतलब आएगा तो बाई का एंट्री लेवल कहाँ पर एंट्री लेना सबसे सेफेस्ट रहेगा, तो इसीलिए इधर ये दोनों मैंने रखा हूँ। और बाई लेवल अप ट्रेंड, सेल लेवल अप ट्रेंड, बाय लेवल डाउन ट्रेंड, सेल लेवल डाउन ट्रेंड, मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस जो करंट सिचुएशन है उसका ऊपर मतलब कौन सा पोजीशन में है वो भी इधर से आप लोग को पता चल जाएगा। ये आप लोग देखने के इधर 530 का ये मैं क्रॉस ओवर दिया हूँ, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, और इधर और भी
कुछ इंडिकेटर्स लगा हूँ। इधर पीछे आप लोग देख सकते हैं, इधर 100 ईएमए, 955 ईएमए, उसके बाद ये क्रॉस कौन सा क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकते हैं। एक बार जब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पकड़ लिया अप ट्रेंड का, ऑनली अप ट्रेंड जब हो गया तो अप ट्रेंड जब कंफर्म हो गया, जिस स्टॉक्स में आप लोग अप ट्रेंड कंफर्म कर लेंगे उसका बाई का एंट्री लेवल बाई और अप ट्रेंड का बाई और सेल लेवल देखेंगे, डाउन ट्रेंड का उस टाइम नहीं देखेंगे। और जब डाउन ट्रेंड का देखेंगे, डाउन ट्रेंड का बाई और सेल लेवल देखेंगे, अप ट्रेंड का बाई और सेल लेवल नहीं देखेंगे। तो इसीलिए ऐसे करके आप लोग स्वयं बहुत शानदार तरीक़े से आप लोग ट्रेड कर सकता है, बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग अच्छी तरह से टेंशन फ्री होकर आप लोग मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। और इसमें मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर मैंने रेगुलर ये फाइल पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में। मैंने तो इधर स्क्रीनिंग करके आप लोग को इस चार्ट स्टॉक दिखा दूंगा, कमोडिटी और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखा दूंगा, लेकिन मैंने मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ, तो वो आप लोग ज्वाइन होकर कुछ दिन ऑब्जर्व कर सकता है, फ्री ट्रायल देख सकता है। तो उसका लिंक अभी इधर दिया जाएगा और ये फाइल का लिंक सैम्पल फाइल कैसा है, पूरा फाइल का सैम्पल फाइल कैसा है उसका लिंक भी दिया जाएगा, वो भी आप लोग वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। और मेरा परफॉर्मेंस वाला ये कैसे परफॉर्मेंस रोज़ परफॉर्मेंस कैसे करता है उसका वीडियो मैं डालता हूँ, उसका भी आप लोग देख सकता है, तो ताकि आप लोग का उसमें से भी आप लोग को पता चल जाए कैसे कितना अच्छा ये काम करता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए कल के लिए मैंने ये स्टॉक्स मैंने स्क्रीनिंग करके चुना हूँ, तो इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। सेल साइड भी ऐसा है, सेल साइड का सेल एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कल लाइव मार्केट में। और मैंने ज़्यादातर आप लोग एंड ऑफ द डे डाटा देकर ही काम कर सकते हैं। अब मैं तो लाइव मार्केट में अपडेट दे देता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ये आप लोग एंड ऑफ द डे जो कुछ स्टॉक सुन के करेंगे तो आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, डिसेंट प्रॉफिट आ जाएगा इंटरडे का हिसाब से। तो इधर मैंने एक बाइस लेवल वन दिखाया, मैंने इधर बाइस लेवल टू दिखाता हूँ, ये गया बाइस लेवल टू, ये बाइस लेवल टू, ये है बाइस लेवल टू, इसमें स्ट्रेट वे है, इसमें कुछ बीच में नहीं है। और वैसे लेवल थ्री दिखाता हूँ, ये वैसे लेवल थ्री, इधर आर वन का एंट्री पॉइंट है, उसके बाद आर टू आर थ्री ये सब टारगेट है, एस वन भी सेल का एंट्री लेवल है और बाकी सब टारगेट है। और जो ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है ये इसका लेवल भी आप लोग इधर से मिल जाएगा आप लोग को। तो इधर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, और ये फ्यूचर्स का लेवल है और ये इंडेक्स का लेवल है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये फ्यूचर्स का लेवल, बाई का लेवल देख लिया, उसके बाद आप लोग इधर बाई से लेवल टू का देख लिया, उसके बाद बाई से लेवल थ्री, ये ओनली फ्यूचर्स का आएगा, सर ये सब एक आ गया, और ये पिवट पॉइंट भी देख लिख सकते हैं। और कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, कमोडिटी का मैंने एक ही लेवल दिखाता हूँ पहले, उसके बाद टाइम होगा तो दूसरा तीसरा लेवल भी दिखा दूंगा। पिवट पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग क्रूड ऑयल का पसंद करता है वो भी आप लोग देख सकते हैं।
क्रूड ऑयल सिल्वर गोल्ड।